फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। SCO समिट के लिए PM मोदी उज्बेकिस्तान रवाना, जिनपिंग से नहीं करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO के नेताओं की शिखर बैठक में रीजनल और ग्लोबल इशू तथा इसके विस्तार पर चर्चा करेंगे। इसके लिए PM मोदी आज शाम उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर PM मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं की शिखर बैठक में रीजनल और ग्लोबल इशू तथा इसके विस्तार पर चर्चा करेंगे। चलती ट्रेन से मोबाइल चोर को यात्रियों ने पकड़ लिया, फिर खिड़की से बाहर लटका दिया। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चोर ट्रेन के अंदर चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तभी यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और ट्रेन के बाहर खिड़की पर लटका दिया। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो खगड़िया का बताया जा रहा है। अपराधियों के दहशत से बिहार के लोग काफी अलर्ट हो गए हैं। ट्रेनों में अक्सर चोर मौजूद रहते हैं, जो पल भर में हमारे कीमती सामान को चुरा लेते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चोर ट्रेन के अंदर चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तभी यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और ट्रेन के बाहर खिड़की पर लटका दिया। यूपी में दलित बहनों से रेप और हत्या, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पैर में मारी थी गोली। बच्चों के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं राज्य की भाजपा सरकार ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कही है। लखीमपुर खीरी में दो किशोरी बहनों से दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक को आज सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसके दाहिने पैर में गोली मार दी। एक वीडियो में पुलिस घायल आरोपी को एक खेत से बाहर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने कहा कि ये उन दोनों में से एक था, जो कथित रूप से लड़कियों का दोस्त था और उन्हें मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले जाने के लिए मिला था। हालांकि परिवार का कहना है कि ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी। इन 6 गिरफ्तारियों के साथ इसमें शामिल सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। ठग सुगेश से व्हाट्सएप पर होती थी बात, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही ने पूछताछ के दौरान बताया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने आज 6 घंटे तक पूछताछ की। सुकेत चंद्रकेशर के 200 करोड़ रुपए की ठगी केस में अभिनेत्री नोरा फतेही EOW ऑफिस पहुंची थी। बताया जा रहा है कि नोरा के जीजा बॉबी को सुकेश ने 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट की थी। बॉबी और पिंकी ईरानी को आमने सामने बैठाकर EOW ने पूछताछ की है। नोरा के मुताबिक वो कभी भी सुकेश या पिंकी से नहीं मिली। नोरा ने EOW की जांच टीम को बताया कि वो सुकेश से व्हाट्सएप पर बात करती थी।